बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से आ रही है। कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने दुर्गा धाम मंदिर अशोका गार्डन से नरेला विधानसभा में की मंदिर स्वच्छता अभियान की शुरुआत। मंत्री सारंग ने मंदिर प्रांगण में की साफ सफाई। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर नरेला विधानसभा के सभी मंदिरों में साफ सफाई अभियान की शुरुआत की। मंत्री सारंग 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर पूरे विश्व में मनेगा दीपोत्सव। मंत्री सारंग नरेला दीपोत्सव में भी होंगे शामिल। नरेला विधानसभा में भी धूमधाम से मनेगा दीपोत्सव। पीएम मोदी ने आह्वान किया है कि हर मंदिर को स्वच्छ और सुंदर बनाए। मंत्री सारंग हर क्षेत्र के मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। मंत्री सारंग नरेला विधानसभा में मंदिर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। ये अनवरत जारी रहेगा। मंत्री सारंग के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और 22 जनवरी को रामलला वहां विराजमान होंगे। पूरे देश में, पूरे विश्व में ये दिन दीपावली के रूप में मनाया जाएगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हम हर मंदिर को सजाएं, हर मंदिर में दीपावली का उत्सव मनाएं, पर यह भी जरूरी है कि हम मंदिर की स्वच्छता पर भी ध्यान दें। एक एक मंदिर स्वच्छ हो। वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का जो अभियान पूरे देश में चलाया उसका बहुत सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिला है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम सब आज से हर एक क्षेत्र के मंदिर की साफ सफाई में लगे हैं और हम ये केवल 22 जनवरी तक ही नहीं करेंगे। अब हर मंदिर स्वच्छ रहेगा और उस स्वच्छता की जिम्मेदारी वहां के नागरिक लेंगे, हम सब लेंगे। इसीलिए आज से हमने मंदिर के स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। हर एक श्रद्धालु वो पूजा करे, अर्चना करे और उसके साथ साथ इस जिम्मेदारी का भी निर्वहन करे कि उसे अपने मंदिर की स्वच्छता का ध्यान रखना है। आज हमने यह अभियान की शुरुआत की है और यह अनवरत चलता रहेगा।